तो दोस्तों आज हम जो है बात करने वाले हैं इस बाइक को लेके, एंड इस वीडियो में मैं हूँ जो 5 पॉइंट जो है कवर करने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दिस इज कॉल्ड वेलकम बैक टू वीडियो। सो दोस्तों आज जो हूँ मैं बात करने वाला हूँ अपनी GT10R KO के लेके, एंड इस वीडियो में जो है कम्प्लीटली मैं अपना पर्सनल रिव्यू देने वाला हूँ, एंड जो 4 पॉइंट्स मैंने सोचे हैं आप लोगों को बताने के लिए जो मेजरली मतलब सबके माइंड में चलते हैं। सबसे पहला है कि गाड़ी की स्पेसिफिकेशन क्या है, दूसरे पॉइंट में मैं बात करूंगा इसके प्रॉज एंड कॉन्स को लेके, थर्ड पॉइंट में बताऊंगा आपको कि इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी बढ़ती है, एंड फोर्थ पॉइंट में अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। सो वीडियो को पूरा देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी के हार्ट की, हार्ट मतलब इंजन। इसका जो इंजन है वो 313 सीसी का है जो कि 20 मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है एंड 34 बीएस की इसकी जो पावर है। इसका जो इंजन है वो रिवर्स इंक्लाइन इंजन है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका जो साइलेंसर है ये आपका यहाँ से निकला हुआ है। जनरली आप बाइक का साइलेंसर देखेंगे तो यहाँ से होता है, इसकी वजह से जो इसकी हीटिंग है वो यहाँ से निकल के पीछे निकल जाती है, आपके फ्रंट में नहीं लगती है। आपके यहाँ पे हल्की हीट फील होगी बट यहाँ पे आपको कोई हीट फील नहीं होगी। तो दोस्तों अब इंजन की बात करते हैं इसके सेकेंड पार्ट के सस्पेंशन को लेके। अगर आप देखेंगे इसका जो सस्पेंशन है मोनोशॉक है और बहुत ही ज़बरदस्त है, एंड फ्रंट में जो है इसके गोल्डन कलर के सस्पेंशन आपको मिलेंगे जो कि बाइक पे बहुत ज़्यादा मतलब अपीलिंग मतलब लुक्स इसके फाड़ करते हैं। अब देखोगे ब्लैक में गोल्डन कलर के जो ये अपने सस्पेंशन है बहुत अच्छे हैं, जो कि दोनों के दोनों हमारे एडजस्टेबल हैं, आप दोनों सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं। ब्रेक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके रियर साइड पर एंड फ्रंट साइड पर दोनों आपको ड्यूल चैनल ABS मिलते हैं, एंड दोनों साइड पर आपके डिस्क ब्रेक हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर मैं बात करूँ इस बाइक की ब्रेकिंग की तो यार मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ इसका, कि ब्रेकिंग इसकी सुपर्ब है। अगर आप ब्रेक लगाते हो आपके ऑन द स्पॉट को रुक जाती है गाड़ी, ठीक है। दोस्तों अगर मैं इसकी लाइट्स की बात करूँ तो इस बाइक पे कम्प्लीटली जो है LED लाइट का सेटअप है। फ्रंट में आप देखोगे ये LED है, इंडिकेटर्स आपके फ्रंट के दोनों LED है, बैक साइड के इंडिकेटर LED है, एंड जो पीछे की आपकी बैक लाइट है वो भी कम्प्लीटली LED है, एंड लाइट का जो इसका थ्रो है बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत बेहतरीन है। चलते हैं। सो दोस्तों बात करते हैं इसके प्रोस को लेके कि गाड़ी के प्रोस क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा यार ये जो सीट है जिस पर हम लोग बैठते हैं ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मतलब इतनी कंफर्टेबल सीट है कि क्या बताऊँ। अगर आप आगे आके देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने मतलब ये सीटेड जो है आपकी सिंगल ही है बट यहाँ पे आपको एक रेस्ट मिल जाता है। जब भी आप लॉन्ग जर्नी पे जाओगे तो यहाँ पे आपको रेस्ट लिए बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसकी जो कुशनिंग है बहुत अच्छी है, एंड जो राइडर होता है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। मैंने तो इसका जो दूसरा मैं बात करूँगा प्रोस का वो अगेन ब्रेकिंग का है, कि ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है। ब्रेकिंग के मामले में यार ये गाड़ी ज़बरदस्त है, सबको फेल कर देगी, बहुत बढ़िया है। तीसरा जो इसका प्रॉज है वो है इसका लाइट के थ्रू को, लाइट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब ये जनरल चीज़ है जो बंदा अपनी गाड़ी पे बहुत अच्छे ढंग से चाहता है, इसका वो बहुत अच्छा है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ गाड़ी जो है सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी है, आप इसको ईजिली मनोवर कर सकते हो, एंड ये कहूँ तो एक छोटा रॉकेट है जो कि जू निकलता है। ये अनदर पॉइंट की मैं बात करूँ प्रॉज में तो इसका सस्पेंशन बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से आपको बिल्कुल भी जो बम्प्स होते हैं रोड पर वो आपको फील नहीं होंगे, एंड बहुत ही कम्फर्टेबली आप इसको राइड कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं गाड़ी के कॉन्स को लेके। वैसे तो सही बताऊँ इसमें कॉन्स निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मिनिमल कॉन्स है जो कि मतलब हार्डली मैं सिर्फ 3 ही कॉन्स के निकाल पाया हूँ। तो सबसे पहला जो कॉन है इसका वो है इसके गियर शिफ्टिंग में, इसके जो गियर्स है थोड़े हार्ड हैं। जब हम गियर्स लगाते हैं तो आपको थोड़ा सा फील होगा कि यार थोड़ा हार्डर साइड पर ये है। जो दूसरा मुझे जो कॉन लगा यार, मतलब देखो एज अ राइडर तो सीट बहुत कंफर्टेबल है जैसे मैंने बोला, बट यार पिलियन के लिए ना सीट थोड़ी सी छोटी है। अगर मैं इस वाले की बात करूँ, अब देखो ये सीट बहुत छोटी है, अब अगर हम मेरे साइज़ का बंदे अगर दो बंदे से बैठेंगे ना तो भाई वो बंदा यहाँ निकल जाता है, और इस बाइक को आप धीरे चलाओगे नहीं तो गिरने के चांसेस थोड़े रहते हैं। जो तीसरा कॉन है वो मुझे मतलब गियर से रिलेटेड ही है भाई, न्यूट्रल जब हम खड़ी करते ना गाड़ी को न्यूट्रल मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, और जब गाड़ी चला रहे होंगे ना तब आपका न्यूट्रल लग जाएगा, वो जब आपको खड़ी करनी है तो न्यूट्रल ढूंढते रह जाओगे। तो दोस्तों अगर हम मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करते हैं इस गाड़ी की, तो यार ऑब्वियसली देख रहे हो BMW है, तो यार डेफिनेटली मेंटेनेंस कॉस्ट आपको थोड़ी ज़्यादा ही पड़ेगी इसकी एज कम्पेयर टू अदर्स। मैं जो हूँ इस बाइक की सर्विस ऑलरेडी करवा चुका हूँ, जो कि मेरी पहली सर्विस थी, उसका बिल जो मेरा अपना बना था वो बना था 6700 का, जो कि मेरे को पता था इतना ही आएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट ये जनरल आप लोगों के रिव्यू के लिए कि अगर इनकेस आप फर्स्ट सर्विस कराने जाओगे तो आपका अराउंड 6 to 7000 के आसपास ही आपका बिल बनेगा,
एंड उसके बाद जो सेकेंड सर्विस होती है वो एक साल के बाद होती है, जो इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा फीचर है कि आपको हर 3 महीने में 4 महीने में जाके सर्विस नहीं करानी पड़ेगी, आपको सीधा या तो 10,000 किलोमीटर में सर्विस करानी है या एक साल के बाद आपको सर्विस करवानी है, जो कि इसका बहुत ही अच्छा मतलब बेनिफिट है इसको लेने का। उसके बाद अगर हम बात करें जनरल पार्ट्स को लेके, इसकी जो है एक्सेसरीज जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आती है अगर आप BM से लेते हैं, एंड अगर आप आफ्टर मार्केट लेते हैं तो वो आपको थोड़ा सा सस्ती पड़ जाएगी। सो दोस्तों, मेंटेनेंस कोर्स के बाद हम बात करते हैं कि यार ये एक्चुअल में गाड़ी जो है ऑन रोड पड़ती कितनी है, जो कि सबका एक क्वेश्चन होता है। सी, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैंने बाइक परचेस की थी तो ये मुझे पड़ी थी 2,70,000 रुपये की एक्स शोरूम, एंड उसके बाद कई सारे चार्जेस होते हैं जो कि आपको नहीं पता होते हैं, नॉट ओनली RTO या इंश्योरेंस, उसके अलावा भी चार्जेस होते हैं। जो मुझे इसका पड़ा था RTO चार्जेस, क्योंकि मैंने उत्तराखंड में रजिस्टर करवाया था एंड दिल्ली से मैंने परचेस की थी, सो RTO चार्जेस मेरे को अराउंड इसका पड़ा था 24,000 के आसपास। जो एग्जैक्ट फिगर है वो आपको मैं स्क्रीन में शो करवा दूंगा, एंड उसके अलावा जो मेरा इंश्योरेंस था इस गाड़ी का वो मुझे पड़ा था 17,000 के आसपास, एंड इसके अलावा जो हमने मैंने जो चार्जेस दिए थे वो दिए थे हैंडलिंग चार्जेस, बिकॉज जो बाइक होती है ये स्पोर्ट्स बाइक है एंड आपकी जो है मैन्युफैक्चर से डायरेक्टली जब शोरूम पे आती है तो पूरी पैक होकर आती है, बॉक्स में आते ऐसे नहीं आते कि गाड़ी बस लोड कर दी, चार्जेस पड़ते हैं। तो उस टाइम पे एक डिस्काउंट चल रहा था जिसकी वजह से मुझे जो मेंटेनेंस कॉस्ट थी वो अराउंड 10,000 के आसपास पड़ी थी। सो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं भाई, अगर हाथी पाल रहे हैं तो अगर हाथी कहीं पे बीमार पड़ गया तो उसके लिए आपको क्रेन बुलानी पड़ेगी, एंड क्रेन की कॉस्टिंग जो होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा आती है, एंड कई बार होता है कि यार आपके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होती, तो उस टाइम पर जो सबसे बेनिफिट जो अपने को मिलता है वो मिलता है RSA मतलब रोड साइड असिस्टेंस, जो कि मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि आप बहुत ज़रूर लें। वो जो मेरे टाइम पे था वो था 8,400 के आसपास एक साल का, कि एक साल में ये ऑल ओवर इंडिया अगर मेरी बाइक कहीं पे भी ब्रेक डाउन होते कुछ होती है तो BM वाले आएंगे, गाड़ी को लोड करेंगे, शोरूम में लेके जाएंगे। बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे कि यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो इस बाइक के लिए कैसा है। यार मैं बोलना चाहूँगा कि यार ये मशीन जो है बहुत ही खूबसूरत मशीन है, इसके लुक्स जो है बहुत स्टनिंग है। मैंने पर्सनली ब्लैक कलर चूज़ किया था बिकॉज मुझे ब्लैक जो है बहुत अच्छा लगता है, आप देख सकते हो कितना अपीलिंग है, एंड ब्लैक कलर की जो सबसे अच्छी बात होती है वो ये होती है कि आप उससे कभी बोर नहीं हो सकते। मार्केट में आपके डिफरेंट कलर्स आएंगे, वेरिएशन आएंगे, बट ब्लैक वुड बी ब्लैक, एंड आई थिंक अगर आप इस पॉइंट से अग्री करते हैं तो आप कमेंट में अपने व्यू शेयर कर सकते हैं। तो मैं अगर अपनी बात करूं, बाइक्स के जो लुक्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है, आप देख सकते हो कि यार ये कलर कितना प्यारा लग रहा है, एंड जो इसमें कॉम्बिनेशन लोगों ने बनाया पूरा जो ब्लैक रॉ ब्लैक एंड वाइट कलर का जो स्टिकरिंग है, गोल्डन फॉक्स जो यहाँ पे ऑसम, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग करते हैं। एंड लास्ट टाइम का जो मॉडल था उसमें इसमें जो कंपेरिजन की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो LED है वो इन्होंने ड्यूल कर दी है, जिसका थ्रो डेफिनेटली बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा सही लगती है। एक बार मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ कि इसका जो लाइट का जो वो है ट्रे से कितना प्यारा आता है, आप देख सकते हैं। ये इसका नॉर्मल है जो कि रहता ही है, ये आपका लो बीम है एंड ये आपका हाई बीम, आप देख सकते हो कि बाइक का जो लाइट का भी जो है वो कितना प्यारा लगता है। एक चीज़ की बात तो मैं करना भूल गया कि भाई साहब ये पीती कितना है पेट्रोल। सो यार देखो, ये ना पेट्रोल के अगर माइलेज की बात करूँ वो डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग स्टाइल पे, ठीक है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको एक चीज़ बता चाहूँगा कि जब मैंने गाड़ी परचेज़ की थी एंड बिफोर सर्विस जो ये बाइक है मुझे एवरेज दे रही थी इन लॉन्ग रूट 38 का, एंड सिटी में जो दे रही थी 32 से 34 के आसपास दे रही थी, एंड मैं शॉक्ड था कि यार ऐसा क्यों और कैसे पॉसिबल है। मैंने अपने फ्रेंड से बात की तो उन्होंने बोला यार तू मजाक कर रहा है, बट एक्चुअल में दोस्तों सही में इतना दे रही थी। उसका रीज़न पता क्या था? उसका रीज़न ये था कि मुझे शोरूम वालों ने बोला था कि 70 से ऊपर नहीं जाना है, अगर आप 70 से नीचे चलाओगे बॉस तो आपको एवरेज देगी। अब होता क्या, जब फर्स्ट सर्विस करवा लेते हो ना तो इंजन आपका खुल जाता है एंड आप इसको 70 में तो चलाओगे नहीं बॉस, आपकी गाड़ी 100 से ऊपर भागेगी, और जहाँ आपने इसको रेव ज़्यादा किया इसका जो है वो जो आप देख रहे हो सामने वैसे ही दौड़ती है हाईवेज में, वैसे ही दौड़ती है। तो इसका अब जो है जनरल अगर मैं बोलूँ सिटी पे इसका जो एवरेज जा रहा है वो जा रहा है हार्डली 28, एंड लॉन्ग रूट पे जा रहा है 30 के आसपास। तो इतना ही मैं कह सकता हूँ कि इसका माइलेज अभी इतना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है।
तो दोस्तों आपको सुनाते हैं इसका एग्जॉस्ट नोट के एग्जॉस्ट की आवाज कैसी है, जिसके लिए सब लोग दीवाने रहते हैं। आइएगा तो ये इसके एग्जॉस्ट नोट की आवाज़, अब बताना कि कैसी लगी आप लोगों को। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही इस बाइक के बारे में। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है इस चीज़ को लेके, आप कमेंट में अपना क्वेश्चंस अपनी क्वेरीज लिख सकते हैं, एंड डेफिनेटली एज सून एज पॉसिबल मैं आपको उसका रिप्लाई करूँगा। एंड इसकी अब सेकेंड सर्विस जो है वो होने वाली है जल्दी, सो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई कितना अच्छे ढंग से इसने मुझे एक साल में दिया है। अभी करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड आई थिंक ये जो वीडियो है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए रहा हो। तो चलो मिलते हैं आपसे नई वीडियो पे, अभी के लिए नमस्कार एंड बाय बाय। एक्शन। तो दोस्त चल 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 ब्रेकिंग। और ये हमारे क्रिएटर पढ़ते हुए, ठीक है एक्शन। ये देखिए वापस दोबारा पढ़ते हुए कि क्या क्या भूले हैं ये, ठीक है इस ठीक है साइड पे ये है सेकंड कौन की सेकंड कौन की भूल गए। हाँ ये भाई साहब को पता ही नहीं, याद ही नहीं है कुछ। एक्शन इसका जो एक्शन क्या बोल रहा था मैं।